Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक अंग्रेजी की कहावत है कि ships are safest in their harbor, but that is not what ships are built for. यानी जहाज सबसे सुरक्षित अपने बंदरगाह में होता है, लेकिन जहाजों का निर्माण बंदरगाह में बैठे रहने के लिए नहीं होता। जहाजों को गहरे समुद्र में उतरना ही होता है। ठीक उसी तरह आपकी पूंजी सबसे सुरक्षित तब होती है जब आप शेयर बाजार से कोसों दूर होते हैं। कोई भी खतरा न लें तो सबसे सुरक्षित आप रहेंगे, लेकिन खतरा लिए बिना आमदनी भी नहीं होती, बाजार से पैसा भी नहीं बनता। लेकिन खतरा लिया जाता है इंटेलिजेंटली, यानी सूझबूझ के साथ। देखिए, जो लोग जोखिम का काम करते हैं, जैसे विमान उड़ाते हैं या फिर सर्जरी करते हैं, वो एक चेकलिस्ट बनाते हैं और उस चेकलिस्ट में एक एक करके सारी चीज टिक कर लेते हैं। जैसे ही चेकलिस्ट पूरी हो जाती है, उन्हें पता होता है कि सारी चीजों का बंदोबस्त हो गया, सारे खतरे अब मुट्ठी में हैं। ठीक उसी तरह ट्रेडर को भी रिस्क की एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। और आज उस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने खतरे को काबू में रख सकते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की एक गलती कर दी तो समझिए कि सारा पैसा बहुत जल्द साफ हो जाता है। तो इसीलिए खतरे को काबू में करके आपको लंबी यात्रा तय करनी है। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं और समझते हैं कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है। जय श्री राम। देखिए, खतरों से तो हमारा पुराना नाता है। जोखिम लिए बिना तो आप जीवन में एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते, फिर ट्रेडिंग करना तो दूर की बात रही। लेकिन जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था वो बहुत काम की है। कोई भी काम करें, किसी भी तरह की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आप करें, तो एक चेकलिस्ट बनानी चाहिए। आज मैं आपको वो चेकलिस्ट दूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या गलतियां आमतौर पर ट्रेडर कर बैठते हैं। अगर आप उस चेकलिस्ट में हर खाने पर टिक लगाते हुए चलें तो पूरा बंदोबस्त हो जाएगा, चाक चौबंद हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग। और इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह से इंटेलिजेंटली किया जाता है, ये एक वीडियो से आप सीख पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, किसी भी तरह से यदि आप बाजार में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए और ऐसी चेकलिस्ट अपने लिए बना लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो चेकलिस्ट, कैसे बनाई जाती है। तो आगे बढ़ें और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के जोखिम से बचने के लिए चेकलिस्ट बनाएं। उससे पहले एक चेकलिस्ट अपने जीवन के जोखिम को मैनेज करने के लिए भी आपको बनानी चाहिए। और इस चेकलिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ, आज के युग में, इस दौड़भाग के जीवन में जरूरी है कि आप अपने लाइफ के रिस्क को भी मैनेज करके, हेज करके चलें। और इसे हेज किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद करके। जी हाँ, एक भरोसेमंद टर्म इंश्योरेंस प्लान आपके लाइफ के रिस्क को हेज करने में बड़ी भारी भूमिका निभा सकता है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस लेते हैं 1 करोड़ का, तो केवल 700 रुपये प्रति महीने के पेमेंट पर वो उपलब्ध हो सकता है। और अगर आप अर्ली एज में, यानी कि सही उम्र में, ये टर्म इंश्योरेंस प्लान बाय कर लेते हैं तो 2 करोड़ का प्लान 1046 के मंथली पेमेंट पर उपलब्ध हो सकता है। देखिए, एक चीज हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय आपको ध्यान देनी चाहिए और वो है क्लेम सेटलमेंट रेशो, यानी कुल कितने क्लेम इंश्योरर के पास आए और उसमें से कितने उसने सेटल किए। 2022-23 में IRDA की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने लगभग 99.51% क्लेम्स को सेटल किया है, जो कि बहुत हाई है। और देखिए, जब कभी आप इंश्योरेंस लें, कुछ एक एडिशनल राइडर्स जरूर जोड़ लेने चाहिए, जैसे एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर और क्रिटिकल इलनेस प्रोटेक्शन। देखिए, ऐसी अनहोनी होने पर भी
कुछ ना कुछ राहत आपको इस पॉलिसी के जरिए मिलती है अगर आपने राइडर्स लिए हों। और देखिए एक बात और मजे की है, आम तौर पर जिनकी आमदनी होती है केवल उन्हें ही टर्म इंश्योरेंस मिलता है, लेकिन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हाउसवाइफ्स को भी, गृहिणियों को भी लाइफ इंश्योरेंस कवर मुहैया करवाता है। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो जरूर चेक कीजिए। और अब बारी रिस्क मैनेजमेंट की अल्टीमेट चेकलिस्ट की, जिससे आप सभी को तुरंत बनाना है तो कागज कलम तुरंत ले आइए और इस तरह के चेक बॉक्सेस बनाइए और देखिए कि क्या आप रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए सबसे पहली चीज जिस पर आपको टिक लगाना है वो ये है कि आप एक ट्रेड पर कितना रिस्क ले रहे हैं, यानी रिस्क पर ट्रेड सीमित होना चाहिए। आमतौर पर जो ट्रेडर्स बड़ा नुकसान करते हैं एक ही ट्रेड पर बड़ा दाव खेल जाते हैं। उनका तर्क ये होता है कि हमारी कैपिटल सीमित है, हम ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। कितनी भी सीमित कैपिटल हो, मल्टीपल ट्रेड्स लेना जरूरी होता है। सारा पैसा एक ही ट्रेड पर लगा देने से, मान लीजिए वो ट्रेड आपके विपरीत चला जाए, तो पूरा सुपड़ा साफ हो जाता है। तो इसीलिए याद रखिए कि आपकी कैपिटल का एक छोटा अंश आपको एक ट्रेड में बतौर रिस्क लेना है। तो अगर आप भी एक ट्रेड पर जरूरत से ज्यादा मेहरबान होकर के पूरा रिस्क एक ही या दो ट्रेड्स पर ले बैठते हैं तो आप तुरंत इस बॉक्स को खाली छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप एक ट्रेड पर सीमित रिस्क लेते हैं और वो आपकी टोटल रिस्क कैपिटल का एक छोटा सा 2-4% का हिस्सा होता है तो आप इस पर जरूर टिक लगाइए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट पता सबको होता है लेकिन ये रिस्क सभी लोग लेते हैं, यानी लेवरेज। लेवरेज मतलब आपके जेब में है 100 रुपये लेकिन आप चले हैं लेने 500-1000 रुपये की पोजिशन। अपने बूते से बाहर की रिस्क लेने से ही लोग बड़ा पैसा खोते हैं। ये जो हम खबरें सुनते हैं कि फला फला व्यक्ति को शेयर बाजार में इतना नुकसान हो गया और वो तबाह हो गए, दिवाला हो गए, उसकी वजह है लेवरेज। अगर आप लेवरेज नहीं ले रहे हैं, यानी कि अगर आपने 100 रुपये में 100 रुपये का ही ट्रेड लिया है, तो आप कभी शेयर बाजार में बर्बाद नहीं होंगे। बर्बाद तब होंगे जब आप लेवरेज लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि लेवरेज संतुलन में लेना है, कम से कम लेना है। और अगर आप बाजार में नए हैं तो लेवरेज के बारे में सोचिए भी मत, पहले इसे सीखिए और तब विचार कीजिएगा कर्जे पर ट्रेड करने का। और कर्जे पर ट्रेड करना यानी कि लेवरेज लेकर ट्रेड करने का अर्थ यह है कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आप लेवरेज लेते हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो भी आप लेवरेज लेते हैं, और अगर आप ब्रोकर की मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप लेवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं। तो लेवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा लेवरेज लिया है, तो इस खाने को तुरंत छोड़ दें, इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। टिक वे लोग करें जो लेवरेज नहीं लेते हैं या कम लेते हैं। तीसरी चीज है अनडिफाइंड रिस्क, यानी कि रिस्क पर कोई अंकुश ही नहीं है। ट्रेड आपने लिया, कितना भी नुकसान हो सकता है। देखिए एक चीज अगर आज इस वीडियो से आपको याद रह जाए, आपके जहन में बस जाए, तो आज ये वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। देखिए मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, बड़ा नुकसान नहीं करना है। बड़ा नुकसान मत कीजिए, एक ही ट्रेड में बड़ी क्षति ना पहुंचे, बस इसका बंदोबस्त कर लीजिए। आप बाजार में न केवल टिके रहेंगे बल्कि बड़ा पैसा कमाएंगे। देखिए अपनी विकेट नहीं खोनी है, फिर अगर आप विकेट पर टिके रहे तो रन बनना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए याद रखिए बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए रिस्क को हमेशा कट ऑफ कर देना है। जैसे ही आप देखते हैं कि एक लेवल से ज़्यादा का रिस्क हो रहा है तुरंत निकल जाएं। हमेशा रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे ये शेयर खरीदा है नीचे जाएगा तो कहां तक वेट करोगे, तुरंत जवाब आना चाहिए। 100 रुपये पर लिया है, 95 से नीचे एक पैसा भी नहीं दूंगा। इस तरह का क्लैरिटी आपको चाहिए जब आप ट्रेड लें, यानी कि नीचे का घर कितना बड़ा है ये पहले सोच करके चले। रिस्क भले ही ज्यादा ले रहे हो लेकिन होना डिफाइंड चाहिए।
और देखिए, अगर आप भी रिस्क को डिफाइंड नहीं रखते हैं, बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, कई बार आप निर्णय ही नहीं ले पाते हैं, कोई एग्जिट की स्ट्रेटजी पहले से तय नहीं होती है, तो इस खाने को खाली छोड़ दीजिए, अन्यथा इस खाने के सामने भी टिक लगा दीजिए। फिर देखिए, एक और खाना है कि आप नुकसान से कैसे उबरते हैं, यानी अपना बैलेंस कैसे रिगेन करते हैं। देखिए, नुकसान तो सभी को लगता है, शायद ही कोई ट्रेडर विश्व में ऐसा हो जो नुकसान न देखता हो, लेकिन नुकसान होने के बाद क्या आप प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए यह तय करते हैं कि तुरंत मुझे प्रॉफिट में आना है, नुकसान को वाइप आउट करना है, जो नुकसान हुआ अगले ही ट्रेड में पूरा होना चाहिए, चाहे क्वांटिटी डबल क्यों ना करनी पड़ जाए। इस तरह के खतरे मोल लेकर के अगर आप नुकसान पूरे करने के आदि है तो नुकसान इससे भी बड़ा होगा। कुछ लोगों को एक ट्रेड में नुकसान होता है, कीमतें नीचे आती हैं, वो अपनी क्वांटिटी डबल कर देते हैं, ट्रेंड कमजोर है, इंडिकेटर चीख चीख कर कह रहा है कि बेचो और आप खरीदने पर आमादा हैं, क्वांटिटी डबल कर दी तो देखिए बर्बादी निश्चित है। तो याद रखिए, प्रतिशोध की भावना से नहीं, सूझबूझ से ट्रेडिंग करनी है। तो अगर नुकसान हुआ किसी वजह से तो तुरंत उसको पूरा करने की चेष्टा मत कीजिए, उसके लिए आनन फानन में बड़े रिस्क मत लीजिए और सिस्टम से चलिए, अपने सिस्टम से चलिए। कुछ वक्त लगेगा लेकिन नुकसान पूरा हो जाएगा। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो इस खाने को खाली छोड़ दीजिए, अन्यथा इस पर टिक लगाइए। अब देखिए, अगला खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और विशेष रूप से कान खोलकर वो लोग सुने जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। एक साहब मुझे मिले, ऑप्शंस के कारोबारी थे। मैंने पूछा कितनी समझ है आपको ऑप्शंस की, तो कहने लगे सर हम तो अभी नए नए ऑप्शन ट्रेडर बने हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं कि कॉल होती है, पुट होती है। देखिए, अगर आपका भी ज्ञान ऑप्शंस को लेकर बस इतना ही है और आप चले हैं ऑप्शंस बेचने या ऑप्शंस में करतब करने, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके पांव के तले जमीन खिसक जाएगी। तो याद रखिए, ट्रेड वही चीज करनी चाहिए, फिर चाहे शेयर हो, इंडेक्स हो, ऑप्शंस हो, डेरिवेटिव्स हो, जिसकी समझ आपको है। अगर आपको समझ नहीं है उस शेयर की जिसमें आप निवेश करने जा रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि इंडेक्स क्या है जिसके डेरिवेटिव्स आप ट्रेड कर रहे हैं, कॉल पुट किस चिड़िया का नाम है ये ठीक से पता नहीं है, तो आप सफल हो ही नहीं सकते। तो याद रखिए कि बिना प्रॉपर प्लान के, बिना पूरी समझ के कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। अगर आप भी अनजाने में ट्रेड करते हैं, आधे अधूरे ज्ञान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो तुरंत इस बॉक्स को टिक मत कीजिए, अन्यथा इस पर टिक लगा दीजिए। तो देखिए, यह है आधा दर्जन बॉक्सेस जिस पर अगर आपने सब पर टिक नहीं लगाया है तो इसका मतलब अभी आपका रिस्क मैनेजमेंट कच्चा है, पूरा पक्का नहीं हुआ। आपको तुरंत अपने रिस्क मैनेजमेंट पर फिर एक बार काम करना चाहिए। और देखिए, किसी का भी रिस्क मैनेजमेंट, बड़े बड़े बैंकों का भी रिस्क मैनेजमेंट पूरा पक्का नहीं होता, सभी में कुछ ना कुछ दरारें कमियां रह जाती हैं, इसे लगातार आपको ठीक करते रहना पड़ता है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को सुधारते रहना पड़ता है। देखिए, मुझे पता है कि रिस्क मैनेजमेंट कोई बहुत ही रसीला टॉपिक नहीं है, इसमें लोगों की रुचि थोड़ी कम होती है, लोग इसके बारे में सुनना, बात करना कम पसंद करते हैं, लेकिन देखिए कई बार जरूरी चीज़ें कम इंटरेस्टिंग होती हैं और उस पर बात कम होती है, तो इसीलिए आज ये विशेष वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने कुछ ना कुछ आपको नया बताया, कुछ सोचने पर मजबूर किया, हो सकता है ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता हों, लेकिन इसके बारे में फिर एक बार आपको याद दिलाना जरूरी था और इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इन सारे बॉक्सेस में आपके कितने बॉक्स टिक हुए, ईमानदारी से कॉमेंट में लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान्स के बारे में जानकारी जरूर हासिल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।